प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कहना कि महिला के खिलाफ अपराध अक्षम्य में पाप है, जिसका बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने समर्थन किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री का एक एक शब्द सही है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की जननी नारी ही है और जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान नहीं होगा उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में नारी का संस्कृति का जननी माना जाता है और सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नीति रीति में नारी का सर्वोपरि स्थान है और नारी का सुरक्षा ही सर्वोपरि है। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने सही कहा है और जिस देश में आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाह रहा हूँ कि जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होगा वो देश का कल्याण भी नहीं होगा। जी, तो जो जिस तरह से कलकत्ता में और कई जगह घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर भी लगातार राजनीति हो रहा है। नहीं, ये राजनीति करने का विषय नहीं है, वहाँ तो लाइन ऑर्डर बिल्कुल फेल है। कलकत्ता तो लाइन ऑर्डर है ही नहीं और सबसे दुर्भाग्य ये है कि जहाँ के मुख्यमंत्री नारी हों, ममता दीदी हों, और वहाँ नारियों की ये स्थिति है, उनको तो अपने नैतिकता के आधार पर रखते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब वो सरकार में रहने लायक नहीं है, उनको सरकार में रहने का कोई नैतिक दायित्व तो नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने एक संबोधन में नारी सुरक्षा को सर्वोपरि बताया है तथा कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक अक्षम्य पाप है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो और उसके होते हुए प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, जो निंदनीय हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति में नारी सशक्तिकरण और नारी सम्मान सर्वोपरि है। जिस नारी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हो और वहाँ नारी असुरक्षित महसूस कर रही हो और इतना जघन्य अपराध, इतना घृणित अपराध, पहले तो मैं निंदा करता हूँ और भविष्य में किसी नारी के साथ, किसी माँ बेटी के साथ ऐसा नहीं हो, ये भी ख्याल उनको करना चाहिए। लेकिन तत्काल ये पूरे देश में, अब बताइए, डॉक्टर जिसका कोई जान बचा रहा हो, जो भगवान के रूप में हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो और ममता दीदी चुप बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, शर्म है ऐसे कुकृत्य पे। बता दें कि मंत्री संतोष कुमार सिंह एक विभागीय कार्य को लेकर सासाराम पहुंचे थे। उन्होंने परिषद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही। गौरतलब है कि कोलकाता की घटना को लेकर पूरे देश में उबाल है, लोग आरोपी संजय रॉय की फांसी की मांग कर रहे हैं। रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।